सो इन दिस वीडियो विल भी डिस्कसिंग ऑन आर थर्ड पार्ट ऑफ रैक्टम द नैटमी ऑफ द रैक्टम सो इन दिस वीडियो द मेन सेक्शन ऑफ रैक्टम इज दर इंटीरियर ऑफ द रैक्टमिल वॉट आर द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द रैक्टम ऑल द फोल्ड्स एंडल्व आर प्रेजेंट इन द रैक्टमसिंग इन दिस वीडियो सो वॉट्स द फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो सो शुरुआत करते हैं तो पहले जो इंटीरियर ऑफ द रेक्टम है उसके अंदर दो तरीके के म्यूसो फोल्ड्स होते हैं तो पहला जो फोल्ड होता है उसको टेम्प्ररी फोल्ड कहते हैं ठीक है और दूसरा जो होता है उसे परमानेंट फोल्ड्स कहते हैं क्लियर तो टेम्प्ररी फोल्ड जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल होता है ठीक है और ये कहाँ मिलते हैं ये लोअर पार्ट में एक्चुअली मिलते हैं तो ये दो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए और उसके बाद ये डिसअपियर कब होते हैं जब रेक्टम हमारी डिस्टेंडेड होती है मतलब ब्लोटेड होती है या तो फुल फुल होती है फीसस से तो उस वक्त ये दिखते नहीं है ठीक है, है में में और temporary folds में ये difference है कि ये longitudinal होता है तो ये ये होता होता है, और ये shape का होता है है, ठीक और का यामिल्यूनर कह सकते हो आप या तो क्रिसेंट्रिक शेप कह सकते हो ठीक है और इसी वाल्व को दूसरा नाम कहते हैं हॉस्टन्स वाल्व कहते हैं ये scientist था. जिसके नाम पे ये वेल्व्स का नाम पड़ा है इसको हम हॉस्टन्स वेल्व्स कहते हैं तो इस हॉस्टन वॉल्व में हमारे पास चार तरीके की वेल्व्स होती हैं परमानेंट फोल्ड्स में भी वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये जो होती है ये फाउंड इन द ऑफ लेटरल कर्वेचर ऑफ द रेक्टम जो लेटरल कर्वेचर हमारा होता है ना अपर मिडल और लोअर uh, तो so, हमने डिस्कस किया था हमारी फ़र्स्ट वीडियो में कर्वेचर ऑफ द रेक्टम तो वहाँ से उस कर्वेचर में ये प्रेजेंट होते हैं तो so, उनकी कॉन्केविटीज होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं फोल्ड्स ठीक है परमानेंट फोल्ड्स जो होते हैं और प्रोमिनेंट वन द रेक्टम इज़ डिस्टेंडेड तो ये डिफरेंस है हमारे टेम्प्रेरी से कि टेम्प्रेरी जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है जब हमारा रेक्टम फुल होता है या ब्लॉटेड होता है फीसेज से और जो परमानेंट होता है वो प्रॉपर विजिबल होता है या तो प्रोमिनेंट होता है उस वक्त ठीक है तो ये डिफरेंस है हमारा परमानेंट और टेम्प्ररी फोल्ड्स में हम ही हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे आ, इमेज पे ठीक है तो और क्लियर हो जाएगी ये थ्योरी ये सारी थ्योरेटिकल लाइन ठीक है तो दे आर फाउंड बाई रीडिप्लीकेशन ऑफ सब म्यूकस टिश्यू एन द सर्कुलर स्मूथ मसल मसल सो ये प्रॉपर डेफिनेशन है ये फोल्ड्स की कि ये कैसे बनते हैं तो ये जो म्यूकस में ब्रेन रेक्टम की होती है उसकी रीडिप्लीकेशन होती है सब म्यूकस टिश्यू से और सर्कुलर जो मसल होती है स्मूथ मसल उसका सर्कुलर पार्ट जो होता है वो डुप्लीकेट करती है फिर से जिसके कारण ये डबल लेयर बनता है मिकोजल फोल्ड्स का ठीक है जो हमको देखने को मिलता है अंदर की तरफ इंटरनल स्ट्रक्चर में ठीक है क्योंकि रेक्टम जो हमारी होती है वो एक्चुअली स्ट्रेट इसका मतलब स्ट्रेट होता है अगर हम कंपेयर करें और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से तो रेक्टम में कोई सर्कुलेशन नहीं होता कोई हॉस्ट्रेशन नहीं होता जैसा कि हमारी कोलन्स में होता है तो उसके कारण भी हमको ये फोल्ड्स फिर भी देखने को मिलते हैं तो रेक्टम का एक्चुअली मतलब होता है स्ट्रेट तो ये एक डिफरेंस है जो अदर पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में डिफरेंट है ठीक है तो ये एक्चुअली किस चीज़ से बनता है समीकुस टिश्यू और सर्कुलर स्मूथ मसल से उसके बाद हमारे पास चार फोल्ड्स आते हैं ठीक है इसके अंदर तो हॉस्टन वैल्व इसका इंपॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा था इसको हम हॉस्टन वाल्व कहते हैं और जिसके अंदर हमारे चार वेल्व्स आते हैं या तो चार फोल्ड्स या वैल्व आप जो भी कहो क्लियर तो चार वैल्व होते हैं मोस्टली मतलब मोस्ट most, मोस्टली uh, हमको देखने को लेकिन तीन मिलते हैं तीन या दो वेरी पेशेंट टू पेशेंट सो सब में चारों नहीं होते बट बेसिक एनेट में अगर हम पढ़नी है तो हमें चारों पढ़ने पड़ेंगे ठीक है तो फर्स्ट फोल्ड जो होता है वो लाइज नियर द अपर एंड क्लोज टू द रेक्टो सिगमोर जंक्शन एंड प्रोजेक्ट कहाँ से करता है राइट या तो लेफ्ट वॉल से कहीं से भी प्रोजेक्ट कर सकता है राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी ठीक है तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम पे डिस्कस करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो ये डायग्राम है हमारा ठीक है तो जैसा मैंने बोला कि हमारे पास तीन कर्वेचर्स होते हैं तो तीन कर्वेचर्स में इतना जो हिस्सा होता है ये हमारा अपर लेटरल कर्वेचर होता है इतना जो हिस्सा है ये मिडिल लेटरल कर्वेचर है ठीक है ये अपर है और जो ये वाला है ये इन्फीरियर है इन्फीरियर कह लो या तो लोअर लेटरल कर्वेचर तो ये तीन कर्वेचर है इसके अकॉर्डिंग तो हम फोल्ड्स को फोल्ड्स की लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे तो फर्स्ट ट्रांसफर्ट फोल्ड जैसा कि मैंने बोला ऊपर होता है ये रेक्टोसिगमोइट जंक्शन यहाँ से मान लो सिग्मोइट में कंटिन्यू होता है तो यहाँ लगभग लग मान लो आपका जंक्शन है तो सम वॉट ये इसके आसपास प्रेजेंट होता है एक दो सेंटीमीटर के नीचे ये प्रेजेंट होता है तो इसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट नियर द एक्टो तो सिगमोइड जंक्शन सो ये लेफ्ट लेफ्ट साइड भी हो सकता है या तो राइट लेटर वॉल पर भी हो सकता है ठीक है तो ये पहला हमारा फोल्ड है उसके बाद हमारा दूसरा फोल्ड होता है उसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तो सेकंड फोल्ड लाइज अबव द थर्ड फोल्ड अबाउट 3.5 सेंटीमीटर जब हम थर्ड पढ़ेंगे तो थर्ड के रिस्पेक्ट में ये साढ़े तीन सेंटीमीटर हमारा ऊपर प्रेजेंट होता है और ये एक्चुअली लेफ्ट साइड से अराइज करता है ना कि राइट right से बट फर्स्ट वाला हमारा राइट right से भी हो सकता है या तो लेफ्ट से भी हो सकता है ठीक है तो ये लेफ्ट साइड से अराइज करता है सेकेंड वाला अब थर्ड की थर्ड डिस्कस कर लेते हैं फिर हम तीन चारों एक साथ डिस्कस कर लेंगे तो थर्ड वैल्व जो होती है हमारी वो लार्जेस्ट होती है मोस्ट कांस्टेंट होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ठीक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए ये लार्जेस्ट फोल्ड होता है ये प्रोजेक्ट करता है इंटीरियर साइड से और राइट right वॉल से ठीक है ये लेफ्ट वॉल से था है सेकेंड फोल्ड हमारा बट हमारा जो थर्ड वैल्व होता है वो राइट right वॉल से प्रोजेक्ट करता है और कहाँ से प्रोजेक्ट करता है कॉन्केविटी ऑफ द मिडिल लेटर कर्वेचर तो मैंने तीनों कर्वेचर बताए हैं तो थर्ड वाला जो होता है हमारा मिडिल साइड से आता है ठीक मिडिल लेटरल कर्वेचर के साइड होता है फोर्थ वैल्व हमारी होती है लेफ्ट लेफ्ट साइड से राइज करती है लेफ्ट वॉल ऑफ द रेक्टर और कौन सी कॉन्केविटी से लोअर लेटर कर्वेचर ठीक है लोअर जो नीचे वाला कर्वेचर होता है वहाँ से राइज करती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिलो द थर्ड वेल्व ठीक है तो थर्ड वेल्व होती है उसके टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट होती है और सेकेंड फोल्ड जो होती है वो थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अवर प्रेजेंट होती है थर्ड के रिस्पेक्ट में और एनल कैनाल की बात करेंगे तो ये एनल कैनाल से टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऊपर प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो ये हो गया थोड़ाटिकल एस्पेक्ट इसका हम इसको डायग्राम पर रिलेट करते हैं तो डायग्राम पे मैंने फर्स्ट आपको बताया सेकंड देखो ये होता है ठीक है सेकंड हमारा ये होता है सेकंड हमारा राइट करता है लेफ्ट साइड से तो ये हमारा लेफ्ट साइड है ठीक है तो ये अपर पार्ट ऑफ द आपका मिडिल कर्वेचर आप कह सकते हो मिडिल कर्वेचर तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ मिडिल कर्वेचर तो सेकेंड तो फोल्ड आपका ये प्रेजेंट होता है फिर थर्ड फोल्ड ये होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे लार्जेस्ट होता है तो ये राइट साइड प्रेजेंट होता है ठीक है राइट वॉल ऑफ द रेक्टम ये राइट right साइड है और कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपका कॉन्केविटी ऑफ द मिडिल लेटर कर्वेचर ठीक है तो ये आप देख रहे हो ये मिडिल लेटर कर्वेचर है तो इसकी जो कॉन्केविटी है ना इसमें देखो सबसे डीप है ये और सबसे लार्जेस्ट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है ठीक है तो ये थर्ड हमारा ट्रांसफर्स फोल्ड होता है क्लियर तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद फोर्थ जो आता है वो लेफ्ट साइड होता है ये देख रहे हो कि ये लेफ्ट साइड है यहाँ प्रेजेंट है फोर्थ हमारा ठीक ये सेकंड था फोर देखो यहाँ प्रेजेंट होता है ये कहाँ प्रेजेंट है किस कर्वेचर पे लोअर वाले पे ये देखो ये लोअर है ये वाला हिस्सा तो ये लोअर साइड में प्रेजेंट होता है लोअर लेटल कर्वेचर पे और ये एनल कैनाल आपकी यहाँ है समवट ठीक तो है एनल कॉलम्स हैं आप देख पा रहे हो ये एनल कॉलम्स हैं आपके तो ये एनल कैनाल से अबाउट टू सेंटीमीटर होता है ठीक है और थर्ड ट्रांसफर्ट फोल्ड से ये थर्ड ट्रांसफर्ट फोल्ड से भी ये 2.5 सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट होता है फोर्थ वेल ठीक है और सेकेंड वाला जो होता है वो थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऊपर प्रेजेंट होता है ठीक है थर्ड फोल्ड्स है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन फोल्ड्स का क्या काम है एक्चुअली अगर इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो इनका बेसिक काम ये होता है कि जो डिफिकेशन होता है या तो फीसेज uh, होती हैं वो यहाँ आके स्टोर होती हैं होल्ड होती हैं तब हमको जब इन फोल्ड्स में ये होल्ड ये होल्ड करके रखते हैं एक्चुअली ताकि एनल रीजन uh, में फीसेस जाए ना तो जब तक ये होल्ड रहते हैं तब हमको अर्ज आती है कि वी हैव टू डिफिकेट ऑल द फीसेस सो ये एक्चुअली सपोर्ट करते हैं ऑल द फीसेस जो कोलन से आते हैं और रेक्टम में आके स्टोर होते हैं और उसके बाद फिर हमको सिग्नल मिलता है हमारी बॉडी को रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जो हमको अर्ज की सिग्नल देते हैं कि वी हैव टू डिफ़िकेट सो ये इन इन वैल्स का एक्चुअली यही फंक्शन होता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए इनके फोल्ड्स के लिए तो बेसिक अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप ये स्केच यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए ठीक है तो ये सबसे ईजीस्ट ईजीस्ट डायग्राम है जो आप एग्जाम में बना सकते हो ठीक है तो इस इस डायग्राम पर भी आप देख लो ये थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है स्केच नहीं है ये प्रॉपर डायग्राम है तो ये देखो ये रेक्टल फोल्ड्स है तो इस डायग्राम में तीन ही फोल्ड्स आप देख पा रहे हो ठीक है तो ये देखो आप सुपीरियर फोल्ड हो गया ठीक है ये आपका मिडिल वाला हो गया मिडिल लेटरल कर्पेचर पे है और ये इन्फीरियर हो गया क्योंकि ये आपके लोअर लेटरल कर्पेचर पे है ये अपर लेटरल कर्पेचर पे है ये मिडल एटर कर रहे पर लोअर तो ये तीन फोल्ड्स होते हैं बेसिक डायग्राम में आपको तीन देखने को मिलते हैं ठीक है बट आप पढ़ते हो चार ठीक है तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है तो ये आपके फोल्ड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर है ये देख रहे हो ये मसल uh, ये सर्कुलर लेयर जो आपकी मिल के ये डुप्लीकेट हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन सब म्यूकस मेम्ब्रेन तो ये मिल के आपके फोल्ड्स बनाते हैं ठीक है अंदर की तरफ ये जाते हैं तो ये डुप्लीकेट होते हैं डुप्लीकेट का मतलब दो लेयर बन जाती है क्लियर तो ये थी आपकी रेक्टम एनाटमी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई और उसके विनस ड्रेनेज और लिम्फाटिक्स की ठीक है सो डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक करते रहो और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी और जो भी टॉपिक हो कमेंट में आप कमेंट में बता दो उस पर वीडियोज़ आ जाएंगे ठीक है थैंक यू